फिर बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। हंगामे की बलि चढ़ा संसद का बजट सत्र। अमृतपाल पर कसता शिकंजा। अब बढ़ेंगे गर्मी के तेवर। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़कर आ रहे हैं, उससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को भारत में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अप्रैल माह की बात करें तो पिछले साल यानी कि 2022 के मुकाबले इस बार 2023 में ज्यादा मामले आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारें भी एक्शन में आ गई है। गोवा में जहां सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जांच फिर से शुरू कर दी गई है, वहीं हरियाणा में भीड़ के बीच मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पुडुचेरी में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के लिए ओमिक्रोन के XBB.1.1.6 सब वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब तक कोविड के जितने मामले सामने आए हैं उनमें से 38.2% इसी स्वरूप के हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पीड़ित मरीज गंभीर हालत में नहीं पहुंचते, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और वे घर पर ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी तरह की लापरवाही मुश्किल का कारण बन सकती है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का मानना है कि बीते कुछ दिनों से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 4 गुना या 10 गुना केस बढ़ना भी खतरनाक नहीं है। कोरोना भी एक फ्लू है जिसका असर हमेशा दिखाई देगा। वर्तमान में आने वाले कोरोना मरीज भी पूर्व की तरह सीरियस कंडीशन में नहीं है। संसद के बजट सत्र का ज्यादातर समय इस बार हंगामे की बलि चढ़ गया। जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए माननीयों के शोर में बर्बाद हो गए। हालांकि संसद न चलने का ठीकरा पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर फोड़ा है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च नामक थिंक टैंक के अनुसार लोकसभा में 133.6 घंटे की निर्धारित अवधि के मुकाबले 45 घंटे से थोड़ा ही अधिक कामकाज हुआ, जबकि राज्यसभा में 130 घंटे की निर्धारित अवधि के मुकाबले करीब 31 घंटे ही कामकाज हुआ। लोकसभा में निर्धारित समय के 34.28% समय में ही कामकाज हुआ, वहीं राज्यसभा में 24% समय में कामकाज हुआ। दोनों सदनों में व्यवधान का असर प्रश्नकाल पर भी पड़ा और पूरे बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 4.32 घंटे ही प्रश्नकाल चला, जबकि राज्यसभा में यह समय सिर्फ 1.85 घंटा रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में 13 घंटे 44 मिनट चर्चा चली, जिसमें 143 सदस्यों ने भाग लिया। बजट पर 14 घंटे और 45 मिनट चर्चा हुई। 8 विधेयक पेश किए गए, जबकि 6 विधेयक पारित हुए। दूसरी ओर विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि आजादी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक बिना चर्चा किए समाप्त हो गया हो। विपक्ष के नेताओं ने सत्र चलने नहीं दिया। कारण था राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना। वहीं विपक्ष ने एक सुर में संसद नहीं चलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के बारे में बातें तो बहुत करती है लेकिन कहने के मुताबिक चलती नहीं है। 50 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ 12 मिनट में और वह भी बिना चर्चा के पारित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष की तरफ से संसद की कार्रवाई में बार बार व्यवधान डाला गया। सरकार की मंशा थी कि सत्र न चले। करीब 20 दिन बाद भी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि वह भागते भागते थक चुका है। उसके हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पंजाब के तलवंडी साबो में गुरमति समागम के आयोजन के बाद कहा कि अमृतपाल को सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि अमृतपाल सिखों के 5 तख्त में से किसी एक में बैसाखी के मौके पर सरेंडर कर सकता है। बताया जा रहा है कि वहां जत्थेदारों से संपर्क करने की भी लगातार कोशिश कर रहा है। दरअसल यह भी कहा जा रहा है कि वहां अकाल तख्त के सामने सरेंडर कर खुद को खालिस्तानी लीडर के रूप में पेश करना चाहता है। वहीं पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियां उसे किसी भी सूरत में हीरो नहीं बनने देना चाहती। अमृतपाल की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि सिख संगठनों ने सरबत खालसा बुलाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उसे सरेंडर या एनकाउंटर में से किसी एक को चुनना होगा। इस बीच खबर यह भी है कि अमृतपाल ने खुद को जनरल सिंह डारावाला की तरह दिखाने के लिए जॉर्जिया में कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई थी।
धीरे धीरे गर्मी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फरवरी के महीने में ही गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से जून तक सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अप्रैल के महीने में देश के 10 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में हीट वेव की आशंका जताई है। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी ने कहा है कि बीता मार्च धरती का दूसरा सबसे गर्म मार्च था। अभी तक सबसे गर्म मार्च 2016 में दर्ज किया गया था। दूसरी ओर बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल को नुकसान होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। सरकार के मुताबिक खराब मौसम के कारण गेहूं के उत्पादन में 10 से 20 लाख टन तक की कमी आने की आशंका है, लेकिन रकबा अधिक होने और ज्यादा उपज के कारण कुल उत्पादन चालू वर्ष में रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बेमौसम बारिश को भी प्राकृतिक आपदा माना जाए ताकि किसानों को मदद मिल सके। अब खबरें संक्षेप में। अडानी मामले में विपक्ष को झटका, राकपा प्रमुख शरद पवार ने जेसीपी की विपक्ष की मांग से खुद को किया अलग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, का लोकतंत्र नहीं परिवारवाद खतरे में है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा का हिंदुत्व चोरी का, 2024 में होगा सत्ता परिवर्तन। पाकिस्तान को अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच चुनना है। 77.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज, जनता महंगाई और भूखमरी से त्रस्त। 5 दिनों में शेयर बाजार में आए उछाल से 10.43 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ी निवेशकों की संपत्ति। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।